नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज बिना बड़े के बड़े पाव बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बिना बड़े का बड़े पाव बनाने के लिए मैंने लिए दो पाव। मीडियम साइज के दो उबले हुए आलू है, इन्हें मैश कर लिया है और आधा कप बेसन लिया है। अब सबसे पहले हम बड़े पाव में बीच में कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगा लेंगे। अब आलू में हम मसाला डालेंगे। आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। आधी चम्मच लाल मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे और साथ में हरा धनिया डाल देंगे। आप इस समय प्याज भी डाल सकते हो अगर प्याज खाना चाहते हो तो। मैंने प्याज नहीं डाले। ये मसाला बना के तैयार कर लिया है। अब हम बेसन से बैटर तैयार करेंगे। 1/4 चम्मच करीबन अजवाइन डाल देंगे और 1/4 चम्मच ही नमक डाल देंगे और पानी डालते हुए बैटर तैयार कर लेंगे। ये बेसन का बैटर बना के तैयार कर लिया, ऐसे इस तरह से पतला रखना है। अब हम पाव में आलू का सबसे पहले तो हम हरी चटनी लगाएंगे। ये हरे धने की चटनी है, एक साइड हरे धने की चटनी लगा देंगे, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और ये टमाटो केचप है, एक साइड ये लगा देंगे और इसके ऊपर हम आलू का मसाला लगाएंगे। इस तरह से लगा देंगे और इसे पैक कर देंगे। इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये दोनों मैंने पाव को तैयार करके रख लिया है। अब इसे बेसन में डिप करेंगे, इस तरह से कर लेंगे, पूरा अच्छी तरह कवर कर लेंगे। बैटर इसमें थोड़ा पतला ही रखे, गाढ़ा नहीं रखे। तेल गरम कर लिया है, अब गैस सिम कर देंगे और इसे आराम से डाल देंगे और इसे सिकने देंगे। इसी तरह दूसरा भी बना के तैयार कर लेंगे। गैस मीडियम कर लेंगे, ज्यादा नहीं, फुल नहीं करेंगे और इसे थोड़ी देर सिकने देंगे। अभी पूरा डूब नहीं रहा तो इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से ऑयल डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा सिकने देंगे। अब इसे हम पलट लेंगे और इसे आप सेक लेंगे। जितना करारा पसंद हो आप अपने उस हिसाब से आप सेक सकते हो। अब इसे सिकने देंगे, इस तरह से घुमाते रहेंगे और किनारों पे भी इस तरह से ऑयल डालते रहेंगे, इससे भी किनारे सिक जाएं। ये देखिए सिक गए, इस तरह से सेक लेंगे। मैंने इस तरह से घुमाते हुए सेक लिया था, इसे चारों तरफ से ऐसे रख दिया था। इस तरह से चारों तरफ से भी सेक के तैयार कर लिया है। इसी तरह दूसरा सेक के तैयार कर लेंगे। ये हमारे बिना बड़े के बड़े पाव बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे बने, मैं काट के बता देती हूँ। अब आप इसे हरी चटनी, टमाटो केचप, मीठी चटनी, जो भी आपको पसंद हो आप उससे खाइए। देखिए कितने अच्छे बने हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।